मुख्यमंत्री ऊना के दो दिन के प्रवास पर ऊना पहुंचे। उन्होंने ऊना और कुटलैंड विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मंत्री बरिंदर कंवर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ऊना के दो दिन के प्रवास पर ऊना पहुंचे। आज उन्होंने ऊना और कुटलैंड विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस मौके पर राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मंत्री बरिंदर कंवर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए पत्र बम को लेकर भी अपना पक्ष रखा। जयराम ने कहा कि हिमाचल में पत्र बम पर जांच की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विपक्ष द्वारा खनन के आरोपों पर नेता विपक्ष के उनके उद्योग मंत्री के कार्यकाल में इसके पनपने का दावा किया। इसमें इसको इस तरह से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जिस आदमी ने उस पत्र को वायरल किया है, हम यही जानना चाह रहे थे कि उसमें उसकी मंशा क्या है, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि आवश्यकता वो हम उसकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार जो है जो कानूनी पक्ष होता है उसी के अनुसार ही आगे कार्रवाई होगी। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में गुरु नानक देव के वंशजों की स्थली पर आयोजित एक कार्यक्रम में गुरु वाणी का सिमरन किया और गुरु साहिब को नमन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाबी को दूसरी भाषा बनाने पर विचार का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने दिसंबर में सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की बात कही। उन्होंने इस मौके पर किसी भी प्रकार के जश्न से इनकार किया। जश्न पहले साल पर हुआ था, अब हमने 2 साल के कार्यकाल में जो काम किया है उसका जो है प्रस्तुतिकरण लोगों के सामने, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में जो नए इनिशिएटिव के माध्यम से हमने जो काम करना है उन सारी बातों को लेकर के हम जो है इस 2 साल के कार्यकाल का पूरा जो है लेखा जोखा एक जगह रखना चाहते हैं।